एक नई सोच मिलती है। आज फिर कुछ नया सीखने का अवसर आ गया है, क्योंकि आज मेरे सामने बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट सुंदर टोपीधारी 9 साल की उम्र में 90 साल का अनुभव रखने वाले मधुर मुस्कान वाले अरुणोदय शर्मा जी, जो नाचते हुए अपने हिमाचल प्रदेश का नाच करते हुए यहाँ आते हैं। ऑलराइट सर, तो जी कि आप कुछ और बोले सर। ठहर जाए, इनकी बातें सुनिए बहुत ध्यान। ये मैं पिछली बार करना भूल गया था सर, एक चीज मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल, करके दिखाइए। अरे अरे अरे, ये नहीं करने की जरूरत। ओहो, ये अलाउड नहीं है भाई साहब, आपको बता दें। यस सर, लेकिन फिर भी अगर आप बड़े हैं मुझसे, और अगर मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहेगा सर, तो फिर मैं तो आगे जाऊंगा सर, सफल होऊंगा ही होऊंगा सर। अच्छा, ये मत समझिएगा कि आपको आशीर्वाद मिल गया है तो आसान प्रश्न मैं आपके सामने रख दूंगा। ऐसा मैं नहीं समझता कभी भी सर। हाँ ओके, तो पिछले हफ्ते इन्होंने 5,000 पॉइंट्स जीत लिए थे, इनकी सारी लाइफलाइंस इन्हीं की तरह एक्टिव है। 9 साल की उम्र में 90 साल वाला अनुभव, भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको मैं। अद्भुत है आप। नहीं नहीं, आपने अभी ऐसा किया, हम नहीं कर सकते हैं प्रणाम आपको। सर मैं तो आपसे छोटा हूँ सर। इस समय भाई साहब आपकी उम्र है 90 साल, हमारी उम्र है 80 साल, सर, तो मैं तो छोटा हुआ ना आपके साथ। आप 90 ले आए बीच में बात किए। इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब, एक बार ये बात करना शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट अरुणोदय, यस सर। आपका पेट नेम आडी? यस सर। आडी या आदी? आप सर कुछ भी बुलाए, बस बुलाए तो हमें कम से कम। हे भगवान, सबसे पहले जो इनके कंपेनियन के रूप में आए, इनके माता जी और पिताजी आए हैं। माता जी प्रणाम करता हूँ आपको, ममता जी इनका नाम है, और जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अद्भुत संतान आपने पैदा की है मैं बता दूं आपको, और धुगधुकी जी जो बचती रहती हैं, और इनकी जो हाइट है उससे ये बहुत नाखुश है, क्यों? यस, एक तो ये बात है कि मम्मा पापा मुझे बनने नहीं देते, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको मैं अपने घर का औदा बताता हूँ सर। मेरा औदा घर में इतना नीचे है ना सर, कि मेरा जो खुद का पालतू कुत्ता है ना सर, वो भी मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा है सर। आपका औदा जो है वो नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि हाइट से आपको परेशानी हो। हाइट का एक आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ सर जी। एक बार दादी और मैं लोकल बस में ट्रेवल कर रहे थे जी। तो दादी को पता चल गया कि अगर जो है बच्चा 5 साल से नीचे है तो हाफ टिकट लगेगा। दादी हो गई मनी मन खुश। उन्होंने मेरी उम्र 4 साल बताई थी, और मेरी इतनी छोटी सी हाइट देखकर उस आदमी ने भी सोच लिया ये 4 साल का ही बच्चा है। और मैं उस समय 7 साल का था सर। 7 साल के थे आप? हाँ, 7 इयर्स। फिर उसके बाद तब आप मुझे ईमानदारी ज्यादा अच्छी लगती है धोखाधड़ी से, तो फिर उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा था। ये आपने इतना बोलना कहाँ से सीखा भाई साहब? पता नहीं सर, अब हम ऐसे हो गए, क्या करें। इनकी तरफ कुछ भी आप बोलिए, उधर से एक बम आता है डा। आपके फेवरेट कौन है? रोहित शर्मा। बहुत अच्छे लगते हैं आपको? सर वैसे मैं क्रिकेट देखता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। देखते नहीं है फिर भी अच्छे लगते हैं। यस सर, थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। रोहित शर्मा जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप कितने पॉपुलर है। बिना आपके काम को देखे आप प्रचलित हो गए। एक लाइफ लाइन जाया कर दी। लेकिन कंफ्यूजन तो होता ही है ना सर, इससे अच्छा कि हम हार जाए गलत करके, डाउट इससे अच्छा है डाउट क्लियर कर दो लाइफ लाइन लेकर। लाइफ लाइन है क्यों, ये ऐसे ही थोड़ी ना है बैठ ऐसे ही रखने के लिए तो नहीं है, शोपीस तो नहीं है ना ये सर, यूज तो करना ही करना पड़ेगा ना सर इन्हें। नहीं नहीं, ऐसी इसलिए नहीं रखी है कि आप हर एक प्रश्न के लिए अगर लाइफ लाइन लेंगे तो 4 प्रश्नों के बाद हार जाएंगे आप। सर आप यही क्यों देख रहे हैं सर, मैंने किन के लिए लाइफ लाइन ली, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं किन के लिए नई लाइफ लाइन ली सर।
करके सर आप मुझे पहले। एक वीडियो है हमारे पास जो हमने बनाया आपके ऊपर, उसे हम दिखाना चाहेंगे, सबको दिखा दें? यस सर। ओके, वीडियो दिखाया जाए अरुणोदय का। माइन मेरे शिमले तेरा है चंपा कितनी के दूर। ये है जी हमारा शिमला शहर। ये जितने भी बिल्डिंग है और जितने भी घर है ना, वो सब इन पहाड़ों पर ही बसे, वो भी कई कई सालों से। चलिए अब मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलाता हूँ। पापा जो है ना, बिल्कुल समुद्र जैसे है, एकदम शांत। ये मुझ पे कभी गुस्सा करते नहीं है और ऐसी नौबत कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कोई काम ही नहीं करता हूँ। ये तो 100% की बात है। ये मेरी मम्मा, ये एक ज्वालामुखी जैसे। बस मैं भगवान से ही उम्मीद लगाता हूँ कि जिस दिन ये बरसे उस दिन मैं आसपास ना हूँ। ये मेरा प्यारा भाई है, ये एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन स्पेशल तो दुनिया में हर एक बच्चा ही होता है ना। वैसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये है मेरे कॉइन्स यानी सिक्कों वाला, ये पिगी बैंक। ये है बाबा को देने के लिए 5 रुपए वाला एक पोटली, क्योंकि पहले जो बाबा लोग होते थे ना, वो 1 या 2 रुपए लेकर बिल्कुल खुश हो जाते थे। आजकल पता नहीं क्या हुआ, वो 5 रुपए लेकर ही खुश होते। और ये है मेरा वॉलेट, इसमें जो है कैश। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है KBC में आने की, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सिलेक्ट तो हो ही गया तो और जीत कर जाते हैं। आपके बटुए में इतने सारे रुपए रखे हुए हैं? पहले तो मेरे पास 5,000 रुपए थे सर, लेकिन जब से मैं KBC में आ रहा हूँ ना सर, जब तक लोगों को ये पता चल रहा है सर, इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है सर, 5,000 से 10,000 हो गया सर। हाँ। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यस सर। क्या करते हैं आप उसका? सर मैं इनका ये करता हूँ, मतलब करता तो कुछ नहीं हूँ, मतलब मुश्किल टाइम में भी काम आते हैं, और साथ ही साथ सर रिच फील होता है कि अपने पास पैसा पड़ा हुआ है। 20-20 रुपए लेकर घूमने में क्या मजा सर। सर आपके पास कितनी नोटों की गड़िया है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और एक और क्वेश्चन था मेरा सर, जो ये इतने सारे लोग करोड़पति बनते हैं और लखपति बनते हैं और हजारपति बनते हैं, इन सब लोग जो है, इन सब लोगों को पैसा कहाँ से देते हैं? ये आपकी गाड़ियों से जाता है सर? हमारी जेब से कुछ नहीं जाता भाई साहब। ये जो कंपनी है ना, जो लोग इस खेल को चलाते हैं उनकी जेब से जाता है। जब आप यहाँ से जीत कर जाएंगे ना, तो जितना भी आप जीत कर जाएंगे वो कंपनी आपको देगी। हमारे पास तो एकदम नील बटा सन्नाटा है। यस। ये हम बता देते हैं आपको। एक तो ये है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा परेशान थे, दुख दुखी जी, वो शांत हो गए, है कि नहीं? हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा ये जो दुख दुखी जी है, इनसे मुझे प्रॉब्लम क्यों है आखिर? हाँ, क्यों प्रॉब्लम है आपको? सर एक तो जब ये दुगदुगी जी बजरी होती है तो फिर आदमी को यही समझ नहीं आता है सर कि क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करे या दुगदुगी जी पर सर, है ना? इसी चक्कर में हर बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है सर। और साथ ही में सर ये तो हो गई दुगदुगी जी की बात, लेकिन आप इतना क्यों डराते हैं सर? मैं करके बताता हूँ। जैसे अगर 25 लाख का क्वेश्चन है, 13वां प्रश्न, आपने एक ऑप्शन ए को लॉक कर दिया, तो उसके बाद और अगर आप में डाउट है तो आप ऐसा बोलते हैं, ये क्या कर दिया मान्यवर आपने? अगर आपने बी किया होता तो आप गलत होते, अगर आपने डी किया होता तो भी आप गलत होते, लेकिन अगर आपने सी किया होता
झड़ जाए, खत्म नहीं हुआ इनकी बात। सर और जैसे हम 25 लाख या 50 लाख जीतते तो आप ये सही जवाब या फिर आप जीत गए हैं 50 लाख, लेकिन सर जब हम 1 करोड़ या 7 करोड़ के सवाल पर होते तो आप बाकी ये नहीं बोलते कि हम जी आप जीत गए हैं सर, आप सीधा ऐसे चिल्ला कर बोलते हैं 1 करोड़। ऐसा क्यों सर, इतना भेदभाव क्यों रखा हुआ है सर आपने? अरे भाई साहब 1 करोड़ के उसी के ऊपर तो नाम पड़ा है इस खेल का। सर 1 करोड़ के ऊपर नाम पड़ा है लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि भेदभाव क्यों कर रहे हैं सर आप? बाकियों के लिए आप सही जवाब बोलते हैं, 1 करोड़ के लिए चीख कर 1 करोड़ बोलते हैं सर। 1 करोड़ से हम तो सब खुश हो जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? यस सर। इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। यस सर। सर बुरा मत मानिए मेरी बातों का सर। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। मुझे आपका एक चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। चलिए कुछ तो अच्छा लगा आपको। सर कि आप खुद की तारीफ नहीं करते, जब आप खुद की तारीफ नहीं करते सर तो हमें एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है आपकी तारीफ करने का। सर के लिए और जोर से तालियां प्लीज। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो इस तरह की नौजवान पीढ़ी हमारे देश को प्रज्वलित कर रही है, वाह क्या बात है। अच्छा भाई साहब, दुगदुगी जी की बात हो रही थी ना? यस सर। उनकी तरफ से आपके लिए एक भेंट है। यस सर। दिखा दें? यस सर। भेंट दिखाई जाए इनको। आपको एक सच बात बताऊं, टीवी पर मत टेलीकास्ट कीजिएगा ये बात। हमारा जो पूरी पैटर्नल फैमिली है ना, मैटर्नल जो हमारी पूरी पैटर्नल फैमिली है, सब चुगली करने वाले, एवरीबॉडी इज चुगलीखोर। तब अगर मुझे मान लो कुछ ऐसा होता है ना कि पूरी बागी में फैलानी है बात, तो मैं वो बात सिर्फ दादी को बताता हूँ। दादी वो गुड्डी को बताती है, मेरी मौसी को, गुड्डी जो है फिर पूरे गाँव को बताती है। हाँ जी, हाँ पापा भी चुगली करने वाले हैं, दादा जी तो। सारी बदमाशी आपकी पकड़ी गई है, है ना? ये दुगदुगी जी से आप नाराज थे, उन्होंने उल्टा मार दिया है आपको। अच्छा बहुत डर लग रहा है मुझे, लगता है आपको। क्यों ऐसा करती है, क्या बिगाड़ा था आपका, क्या जन्मों की दुश्मनी थी, क्या थी आपसे मेरी दुश्मनी? दो शब्द क्या बोल दिए आप, तो नाराज हो गई दुगदुगी जी। नहीं नहीं, अब नाराज नहीं है, अब शांत हो गई। चलिए कोई नहीं, तो कम से कम जनता तो एंटरटेन हो ही गई। तो भाई, तो ये जो डॉक्टर्स हैं इनको मैं प्रणाम करता हूँ, ये इनके बड़े भाई साहब हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और देखिए इनकी ओर से आपके प्रति कितनी सद्भावना है कि आप उनके बड़े भाई का इलाज कर रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको। और आपके गले में हम एक और मेडल डालना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, ये लेगा। बस बस बस, सिर्फ बिग हैंड फॉर नो दे, कम कम नो दे, कम दिस साइड।